युवाओं के लिए बहुत छोटी सी घटना होगी। और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, यह एक प्रेरण मात्र है। अभी तो हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपके इस जनपद में करने जा रहे हैं, नया मेडिकल कॉलेज कुशीनगर जिले में। और अब कुशीनगर का नागरिक जो पहले लोग सोचते थे वो नहीं है, अब तो कुशीनगर के लोग भी भगवान बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे देश और दुनिया के लिए। बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक नए एयरपोर्ट से वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, हमारी ओर से सारी तैयारियां पूरी। दुनिया के अंदर कोरोना समाप्त और कुशीनगर से हवाई सेवा यहां से प्रारंभ। सड़क मार्ग भी अच्छे बन रहे हैं, रेल की सेवाएं जुड़ रही हैं और साथ साथ वायु सेवा के साथ कुशीनगर जैसा जनपद भी जुड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की ये उक्ति चरितार्थ होती है कि गरीब का बेटा भी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा और यह कुशीनगर अक्सर से साबित कर रहा है। भाइयों बहनों, आखिर क्या कमी थी उत्तर प्रदेश में, क्या कमी थी? कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया, प्रदेश के अंदर शासन किया। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के अंदर चार चार बार सरकार बनाई, बहुजन समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, इन्होंने दिया क्या? बीमारी, बेरोजगारी, माफिया राज, भ्रष्टाचार, विकास की किसी भी योजना को ईमानदारी पूर्वक ये लोग आगे ले जाने का कार्य नहीं किए। और अगर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य क्या होता तो भाइयों बहनों, आज कांग्रेस उस स्थिति में नहीं आती। पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस को 7 सीटें दी और 2022 में कंधा देने के लिए 2 लोग भी कांग्रेस को नहीं मिलने वाले हैं। मैं आपकी गलती नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि आप लोग तो देने को तैयार हैं। ये उत्साह जब भी मैं तम्पूही की तरफ आया हूं, यहां के नौजवानों के अंदर मैंने यही उत्साह देखा है। यहां के किसानों के मन में विकास की एक तड़पन देखी है, यहां की माताओं और यहां की बहनों के चेहरे पर देश और धर्म के लिए कुछ कर गुजरने की एक जज्बा भी मैंने देखा है। और आज यही अपील करने के लिए मैं आया हूं आपसे। आपने देखा होगा मोदी जी ने पिछले 7 वर्ष के अंदर देश की तस्वीर और तकदीर बदल करके रख दी है। मोदी जी ने 2013 में नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, शौचालय सबको, आवास सबको, बिजली सबको, राशन मिलना है, राशन मिलना है ना, बिजली आ रही है। क्या कांग्रेस की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? और अब्बा जान वालों की, उनके सरकार के समय भी नहीं आता था ना। और बहन जी, खैर उन दोनों लोगों को अंधेरा ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए बिजली नहीं देते थे, लेकिन मोदी जी ने
और आपने भाजपा की सरकार प्रदेश में बनाई, गांव गांव में बिजली पहुंचा दी। जो बचे इक्के दुक्के गांव बचे होंगे, जो इक्के दुक्के मजरे बचे होंगे, आने वाले 1.5-2 सालों में वहां पर भी बिजली लग जाएगी, कोई वंचित नहीं रहेगा, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। और भाइयों बहनों, कुशीनगर के हर घर में शुद्ध पेयजल भी पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने दिया क्या? बीमारी, एक नौ की बीमारी है, मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस, एक कांग्रेस की, सपा की, बहुजन समाजवादी पार्टी की देन है। और मोदी जी ने घर घर में शौचालय बना करके स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करके आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त। आज तो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी नहीं दिखाई देती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस बीमारी देती थी, भाजपा नागरिकों को स्वस्थ करती है। कांग्रेस राम की और आस्था का अपमान करती है और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। कांग्रेस माफियाओं को प्रश्रय देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को वहां पहुंचाती है जहां के वे हकदार होते हैं। यही तो अंतर है। हमने कहा सबका साथ और सबके विकास की, हम चेहरा देख करके नहीं, हम किसी व्यक्ति को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, परिवार के आधार पर नहीं, हमारे लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता हमारा परिवार है और मोदी जी के लिए 135 करोड़ की आबादी एक परिवार है। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए सस्ता, क्या कांग्रेस का परिवार क्या? जब प्रदेश देश में कोई विपत्ति आती है तो फुर से इटली चले जाते हैं। सपा को सेफाई से बाहर आप नहीं देख सकते। और भाइयों बहनों, इनकी सोच संकीर्ण है। ये लोग नौजवानों की नौकरी को गिरवी रखते थे, नीलाम करते थे, किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान न हो इनके द्वारा मिल मालिकों के साथ मिलकर के शोषण किया जाता था। आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार के समय 2021 तक का सभी गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और 2021-22 का गन्ना मूल्य, नया सीजन प्रारंभ होने के पहले गन्ना किसानों के खाते में, पैसाओं के खाते में पहुंचेगा। और कोई नहीं डालेगा तो फिर सख्त कार्रवाई भी सरकार इस पे करेगी। क्या कांग्रेस सपा बसपा की सरकार के समय ऐसा होता था क्या? वे नहीं कर सकते थे क्योंकि इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं था, वे विकास चाहते ही नहीं थे। उनका एजेंडा एक ही था, भाई भतीजावाद का। उनका एजेंडा एक ही था, जाति और वंशवाद का। उनका एजेंडा एक ही था, प्रदेश में दंगा करवाने का। उनका एजेंडा एक ही था, माफिया राज स्थापित करने का। माफिया और अपराधियों के सागर बनकर के सत्ता का संचालन होगी तो गरीब तबाह होगा, किसान तबाह होगा, नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता। आज उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी सरकार है, देश में आज की आपकी अपनी सरकार है। और यही कारण है कि पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी आज देश के अंदर कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं पाता है। और नहीं तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला काम क्या हुआ था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करने का काम उन्होंने कर दिया था। कांग्रेस के राज में आतंकवाद, उग्रवाद और उग्रवाद फैला। बहन जी को तो कहना ही क्या है, बहन जी ने तो सारे रिकॉर्ड आगे पार कर दिए। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं
पूछे 2017 में अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक तमकुही में बना होता तो गंडक की बाढ़ की अस्थाई समाधान यहां पर हो गया होता। याद करिए, इतनी भीषण बरसात में उत्तर प्रदेश के अंदर तटबंध नहीं टूटे क्योंकि भाजपा के विधायक सक्रिय थे, विकास की योजना कई उन्होंने ईमानदारी से वहां लागू करवाने में योगदान दिया। लेकिन यहां पर जब भी सिंचाई विभाग के लोग आते थे तो यहां पर कांग्रेस के नेता ठेका पट्टा के लिए गिद्ध की तरह झपटते थे, काम नहीं करने देते थे। और फिर भाइयों बोलना ही क्या है, आपने फिल्म का वो गाना सुना होगा, झूठ बोले कौवा काटे। और ये चीज आपके इस विधानसभा में कांग्रेस पे बराबर लागू होता है। ये सच तो बोल ही नहीं सकते, विकास की किसी योजना के बारे में चर्चा नहीं करना सकते, सड़क नहीं बनने देते, बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं करने देते। हम लोगों ने कहा कि जैसे राप्ती नदी और सरयू में हम लोगों ने नदी को ड्रेजिंग करके चैनलाइज किया है, बाढ़ की समस्या का समाधान ऐसे गंडक में भी होना चाहिए। लेकिन ये गिद्ध फिर से वहां भी झपट पड़ते हैं, नहीं होने देते। हम जब विकास की बात करते हैं इनको विकास स्वीकार्य नहीं। और तो और भाइयों बहनों, कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरी दुनिया त्रस्त है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने पूरे देश को नेतृत्व दिया, गाइडेंस किया, उनका मार्गदर्शन में आज भारत कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में है। लेकिन कोरोना में जब हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे, छात्र आ रहे थे, तब कांग्रेस उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। याद करिए तब कांग्रेस बस के झूठे आंकड़े दे रही थी, आपका विधायक तब झूठे बसेज का आंकड़े कर रहे थे, यानी स्कूटर का नंबर दे रहा था, कह रहा था कि ये बस है, इससे इन प्रवासी कामगार और श्रमिकों को घर पहुंचाओ, खचाड़ा बस के नंबर दे रहा था। ये जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग यमराज की भूमिका में जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, क्या इनको आप समर्थन करेंगे? क्या यहां की जनता समर्थन करेगी? और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर समाप्त, सावधानी रखनी पड़ेगी। मैं पिछले सभा में थोड़े आंकड़े विस्मृत कर दिया था, लगभग 14 लाख लोगों को कुशीनगर जिले में अब तक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, 14 लाख लोगों को। और 14 लाख लोगों को डोज मोदी जी ने फ्री में दी है, निःशुल्क वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और इसलिए हमने कहा कि आभार मोदी जी, आपने हमारी जनता को फ्री में वैक्सीन दिया। लेकिन इस वैक्सीन का विरोध करने वाले लोग भी थे, कांग्रेस ने विरोध किया था ना। आपने कभी पूछा अपने विधायक से कि वैक्सीन का क्यों विरोध कर रहे हो? भाई ये वैक्सीन तो जनता को सुरक्षा कवच देने वाला है। सपा ने भी विरोध किया था ना, क्या आपने पूछा सपा से कि वैक्सीन का विरोध क्यों कर रहे हो? लेकिन भाइयों बहनों, ये लोग जो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, मोदी जी पिछले 7.25 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं, बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके, बिना हटे और बिना किसी बाधा के उन्होंने देश के बारे में सोचा, देश के विकास के बारे में सोचा, देश को समृद्धि की ओर अग्रसर करने के बारे में सोचा, 135 करोड़ लोगों के भविष्य को सुधारने और संवारने में अपना एक एक पल एक एक क्षण लगाया है। और भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके
हमने भी जनता जनार्दन के लिए 4.5 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया है। मैं आज आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, मैं तमकुही राज की विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई जनता जनार्दन से अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, अगर 4.5 वर्ष के दौरान हमने बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके आपकी सेवा की है, तो क्या अगले 6 महीने आप भारतीय जनता पार्टी के विकास और राष्ट्रवाद के मिशन के लिए अपना समय देंगे? बिना रुके, बिना झुके इस अभियान के साथ जुड़ना है, क्या तैयार हैं? क्योंकि भाजपा है तो आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर आप देख रहे हैं ना, क्या कांग्रेस रहती बनाती, क्या सपा रहती बनाती, क्या बहन जी रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते? भाइयों बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या राम मंदिर का निर्माण करेंगे? राम को नकारने वाले क्या राम मंदिर का निर्माण करेंगे? आप राम मंदिर के निर्माण से, मोदी जी के इस अभियान से खुश हैं? सभी लोग पीछे तक माताओं की ओर से हाथ नहीं उठ रहा है? अयोध्या में राम मंदिर बनना का काम पुण्य का काम है ना, भारत की आस्था का सम्मान है ना, आप सभी सहमत है ना? तो क्या इसके लिए आप सब मोदी जी का समर्थन करते हैं? मोदी जी को एक एक पत्र धन्यवाद का लिखेंगे? कश्मीर में आतंकवाद की जड़ी धारा 370 मोदी जी ने एक झटके में समाप्त कर दिया, आपको मालूम है ना ये किसने धारा 370 लगाई थी? कांग्रेस ने। किसने लगाई थी? कांग्रेस ने। ये पाप किसने किया था? तो क्या इस पाप के घड़े को क्या सिर में ढो करके ले जाना क्या हमारी शान होनी चाहिए क्या? तो फिर देश में आतंकवाद की जननी कौन? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी ने देश को तमाम जख्म दिए हैं, और भाइयों बहनों, देश को जख्म देने वाले लोगों को बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, आपने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का बयान पढ़ा होगा, उन्होंने अभी तालिबान के कृत्यों का समर्थन किया है। मोदी जी ने देश के अंदर 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त किया है, भाजपा 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करती है, समाजवादी पार्टी तालिबान का समर्थन करती है। क्या समाजवादी पार्टी 3 तलाक को बंद करती? क्या कांग्रेस करती? क्या उम्मीद करते हैं हम इन लोगों से? आज हमारी सरकार तो, हमारी सरकार ने तय किया है हर गरीब कन्या की शादी हम लोग मुफ्त में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत करेंगे, 51,000 रुपए सरकार की तरफ से देंगे। कोरोना में चाहे वह जैसे भी कोई बच्चा अनाथ हुआ है, उस बच्चे को स्कॉलरशिप देकर के कोरोना से अगर माता पिता की मौत हुई है, 4,000 रुपए महीने सरकार उस पर बच्चे को परवरिश के लिए उपलब्ध करवा रही है। कोरोना के बगैर किसी अन्य बीमारी से भी हुई है तो बच्चे की परवरिश के लिए पैसा सरकार देगी। भाइयों बहनों, निराश्रित महिलाओं को पेंशन और उनके स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य हम लोग करेंगे। आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस अधिकारी और पुलिस आरक्षी मौजूद हैं, क्योंकि हमने तय किया पिछले 4 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी। पहले इन नौकरियों की बोली लगती थी भाइयों बहनों,
कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, पहले नौकरी निकलती थी और लोग झोला लेके निकल पड़ते थे, एक एक नौकरी की नीलामी होती थी और बाद में पैसा भी जाता था और नौकरी भी नहीं मिलती थी। आज 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिल गई है, 1,61,000 नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है और 60 लाख नौजवानों को भाइयों बहनों स्वतः रोजगार के साथ अलग अलग कार्यों में वे लोग लगे हैं। वे नौकरी यानी सर्विस, वे आज सीकर नहीं क्रिएटर बन चुके हैं, लेने वाले नहीं देने वाले बन चुके हैं। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और हमने तय किया है हर जनपद में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। आखिर कुशीनगर का नौजवान आईएएस आईपीएस पीसीएस पीपीएस बैंक में पीओ या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में क्यों नहीं वहां आएगा, आना चाहिए, कुशीनगर में सुविधा हम देंगे। और कोरोना के कारण बहुत सारे नौजवान घर नहीं छोड़ पा रहे होंगे तो उनको एक एक टैबलेट भी देंगे डिजिटल एक्सेस के लिए, घर में बैठ करके देश के किसी भी कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। और यही नहीं, 18 से 25 वर्ष की आयु के सभी नौजवानों के लिए, कान खोल करके सुनो, 18 से 25 वर्ष का हर नौजवान जो बीए बीएससी बीकॉम बीटेक बी या फिर मेडिकल का फार्मेसी का नर्सिंग का डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स आईटीआई जो भी कर रहा होगा, पॉलिटेक्निक जो भी कर रहा होगा, ऐसे 1 करोड़ नौजवानों को भी हम टैबलेट देने जा रहे हैं डिजिटल एक्सेस के साथ। अक्टूबर में बांटना प्रारंभ करेंगे और डिजिटल एक्सेस के साथ देंगे और उसको हम बताएंगे उसको क्या करना है जिससे कोर्स भी अपना पूरा करे और कोर्स से निकलने के साथ ही वह अपने मां बाप के लिए पैसा कमा करके उनकी सेवा के लिए भी अपना आगे बढ़ सकेगा। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में अन्न योजना चलाई, पहले अन्न कहां जाता था, अब्बा जान के चेलों के पास चला जाता था, सब खा जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था। इस तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में तो मुसहर बस्ती है, वे बेचारे भूखों मरते थे, आज आप देख रहे होंगे सबके मकान बन रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास जॉब कार्ड है, उनको आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जा रहा है और उनको रोजगार के साथ जोड़ा जा रहा है। अरे वे हमारे नागरिक हैं, हम उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। और यह कार्य आज जिस प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है, सरकार मोदी जी के इस बोध वाक्य के साथ चल रही है, सबका साथ और सबका विकास, हम विकास सबका करेंगे लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे। इसी कुशीनगर में तमकुही में ही डोर और दुर्गा पूजा के लिए तमाम आप लोगों को परेशानी होती थी, आज कोई परेशानी कर पाएगा क्या? आज कोई परेशान करके देखे तो क्या होगा? पहले छोटी छोटी बातों को लेके दंगे होते थे, छोटी छोटी बातों को लेके दंगे होते थे। और भाइयों बहनों, दंगाइयों को हमने दो टुक कहा, दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियों तक पूरी खानदान बिक जाएगी, भरपाई नहीं कर पाओगे। चुपचाप घर में बैठो, सब्जी बेचने का काम करो। और आज आप देख रहे होंगे दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, 4.5 साल हो गए एक भी दंगा नहीं हुआ, और नहीं तो कोई पर्व और त्योहार आता था ये दंगा इस सड़क पे निकल करके तोड़ फोड़ करते थे, बहन बेटियों को छेड़ते थे,
आज तो महिला आरक्षी जहां पर कोई सौदा मिलता वहीं पर उसकी धुनाई तुड़ाई और दांत छूता सब चलते हैं उनके, तो ठीक हो जाते हैं सब। और इसीलिए भर्ती भी हम लोगों ने की, अधिक से अधिक बेटियां भर्ती हो जाएं, अधिक से अधिक शिक्षक बन जाएं, अधिक से अधिक पुलिस में आ जाएं, जिससे दंगाइयों को भी और सोहदे किस्म के उन लोगों को भी सबक सिखाया जा सके। और भाइयों बहनों, आज एक बार फिर मैं आया हूं आपके बीच आपसे अपील करने के लिए, अगर 4.5 वर्ष बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आपकी सेवा के लिए समर्पित किया है, 6 महीने का समय आप भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दीजिए। आने वाला 6 महीना भारतीय जनता पार्टी को दोगे? सभी लोग, सभी नौजवान, सभी महिलाएं, सभी माताएं, सभी बहनें, सभी हर प्रकार का नौजवान, सभी तैयार हैं? ये 6 महीने बिना किसी संकोच के, बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, केवल एक मिशन, मोदी जी का मिशन, देश के लिए, समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए, और नए भारत का ही नया उत्तर प्रदेश जो देश की नंबर एक की अर्थव्यवस्था बनेगा, जहां का नौजवान स्वाभिमान और सम्मान के साथ देश और दुनिया में कहीं जाएगा तो गर्व के साथ कह सकेगा कि मैं राम की धरती से आया हूं, कृष्ण की धरती से आया हूं, बाबा विश्वनाथ की धरती से आया हूं, गंगा माता की धरती से आया हूं। गर्व के साथ कहेगा मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। गर्व के साथ कहेगा कि बाबू गेंदा सिंह की धरती से मैं आया हूं और दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करने के लिए उतारा हो, उस उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए अगले 6 महीने का समय आपसे मांगने के लिए मैं आपके पास आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब यहां पर हम लोगों ने इन तमाम परियोजनाओं का समर्पण आपको कर रहे हैं, जिसमें दुधई दुधई स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में परिसर में एकेडमी ब्लॉक हम इसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, पहले 8वीं तक चलता था, 12वीं तक हम बालिकाओं को इसमें निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहे हैं, और इसमें उनके भवन के साथ साथ छात्रावास के निर्माण की कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, यहां पर तम्पुई राज विधानसभा क्षेत्र में सेवरई विकास खंड में मल्टीपर्पज सीड स्टोर और उससे जुड़े हुए सेंटर के शिलान्यास का भी कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, यहां पर तमाम पंचायतों में कनेक्टिविटी और पंचायत भवन के लिए भी कार्य के साथ साथ 14 ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल की स्कीम जो इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित थे उसके लिए भी हम लोग आज यहां पर इस कार्य को, हम लोगों ने इन योजनाओं को यहां पर आज पूरा, इनके शिलान्यास का कार्य यहां पर पूरा किया है। और यहां पर जनपद कुशीनगर ने जो कार्य अब तक किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 15,000 लोगों को यहां आवास उपलब्ध कराया गया है, 15,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास में और लगभग 5,000 लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना में। इसके साथ ही तम्पुई राज विधानसभा क्षेत्र में 5,168 और मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,250 जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराया गया है, 3,41,241 लोगों को व्यक्तिगत शौचालय जिस पर 409,48,00,000 रुपया खर्च हुआ, जिसमें तम्पुई राज विधानसभा क्षेत्र में 1,12,191 व्यक्तिगत शौचालय और 38,40,00,000 रुपए की लागत से 800 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी आपके इस तम्पुई राज विधानसभा क्षेत्र में अब तक संपन्न हुए हैं। भाइयों बहनों, जनपद कुशीनगर में 18,795 किलोमीटर सड़कों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य यहां पर स्वीकृत किया गया और उस कार्य को संपन्न किया गया, जिस पर अब तक 1,104 करोड़ रुपए यहां पर खर्च हुए हैं। और तम्पुही राज में 327 किलोमीटर अधिक लंबाई के सड़कों का
जिस पर 122 करोड़ 75 लाख रुपए की धनराशि यहां पर खर्च की गई है। जनपद कुशीनगर में 232 करोड़ रुपए की लागत से 400 किलोमीटर सड़कों के नव निर्माण का कार्य हुआ है, जिसमें तमकुही राज में 51.7 किलोमीटर यानी 51 किलोमीटर 700 मीटर सड़कों पर 34 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए नव निर्माण में व्यय की है। जनपद कुशीनगर में 18 सेतु बनाए गए हैं, जिनमें से 8 तमकुही राज में हमारी सरकार ने बनाए हैं। जल जीवन मिशन में 83 पानी की टंकियां बनाई गई हैं, जिनमें से 25 टंकियों का निर्माण अकेले तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। 5,97,294 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जनपद कुशीनगर के अंदर 6,000 रुपए सालाना दिया जा रहा है और तमकुही राज विधानसभा में 94,364 किसानों को इस योजना का लाभ हर वर्ष उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 7,15,839 कार्ड धारकों को 1,08,191 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण हुआ है, जिनमें 3,436 मीट्रिक टन दाल भी उपलब्ध कराई गई है। और साथ साथ अगर तमकुही राज विधानसभा में आप देखेंगे 1,05,387 कार्ड धारकों को 15,541 मीट्रिक टन खाद्यान्न निशुल्क वितरण का कार्य हुआ है। आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना 1,60,590 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। साथ साथ मातृवंदना योजना में 57,032 जिसमें तमकुही राज की 3,725 माताएं हैं, इस पर 6,67,00,000 रुपए इस पर खर्च हुए हैं। 37 पंचायत भवनों का निर्माण यहां पर कराया गया है। और भाइयों बहनों, मनरेगा योजना के अंतर्गत 2,20,81,176 मानव दिवस सृजित करके 602 करोड़ रुपए का रोजगार का सृजन भी आपके कुशीनगर जनपद में यहाँ के लोगों के लिए किया गया है। कोरोना के लिए आपके सामने मैंने कहा ही कि कोरोना पूरी तरह नियंत्रित है। 14,00,000 डोज फ्री में कुशीनगर जिले के अंदर यहाँ के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से फ्री में उपलब्ध कराया गया है, लेकिन हमें कोरोना के प्रति सतर्क रहना होगा। बहुत शीघ्र में कुशीनगर में एक अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज की सुविधा देने के लिए आ रहे हैं। भाइयों बहनों, यही अंतर है। कांग्रेस बीमारी देती थी, सपा बीमारी देती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी बीमारी देती थी, हम लोग बीमारी के उपचार के लिए कुशीनगर को एक अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, जिससे कुशीनगर का कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में दम न तोड़ने पाए। हम सबको सावधान और सतर्कता के साथ कार्य करना है। विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इसका कोई विकल्प नहीं। भारत की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रवाद आवश्यक है और आम जनमानस की खुशहाली के लिए विकास आवश्यक है। देश के लिए भी और आपके लिए भी विकास और राष्ट्रवाद आज की आवश्यकता है, और इसीलिए आप सबसे अगले 6 महीने का समय, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 6 घंटा, कोई पूरा दिन भारतीय जनता पार्टी के मिशन के साथ जोड़ेंगे तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की ताकत बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यही अपील आप सबसे करते हुए आप सबको मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आगामी पर्व और त्योहारों की मंगलमय कामनाएं आप सबके प्रति करता हूं। आज जिन योजनाओं की सौगात हम तमकुही राज विधानसभा को और कुशीनगर जनपद को मैं दे रहा हूं, हमारे जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं।
आप सबके लिए योजनाएं मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य इन योजनाओं के माध्यम से हो सके, यही कामना करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।